विश्व हिंदू परिषद हमीरपुर जिला इकाई ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर वीरवार को उपमंडल भोरंज के बस्ती चौक पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन किया और प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रांत सहमंत्री पंकज भारतीय ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बाद में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। भोरंज के बस्ती चौक में जिला के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, धर्म प्रसार और अन्य सभी आयामों के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री पंकज भारतीय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति के माध्यम से भी भारतवर्ष के पड़ोसी सभी इस्लामिक देशों में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए यूनाइटेड नेशनल पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग भी की गई। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिनमें हिंदुओं के लगभग 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल अपवित्र करके तोड़े गए। उन्होंने कहा कि साथ ही इन देशों में मंदिरों में भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ज्ञापन में भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दबाव बनाने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को मुआवजा देने, दोषियों को सजा दिलवाने, ऐसी घटनाओं को रोकने आदि का बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बस्ती चौक पर आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया तथा हिंदुओं को आतंकवाद के प्रति जागरूक भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज संपूर्ण हिमाचल प्रांत में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार, उनकी हत्याओं, उनकी जमीन जायदाद को पहुंचाया गया नुकसान, माताओं बहनों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में धरने प्रदर्शन का आयोजन सभी जिला केंद्रों पर किया गया। इसी क्रम में आज हमीरपुर जिला के भोरंज प्रखंड के बस्सी चौक पर भी ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी आयामों, सभी विभागों के प्रमुख कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। स्वयं जिलाध्यक्ष गुंजन गौतम जी भी आज वहां उपस्थित रहे। ये सारे धरना प्रदर्शन जो हैं वो भारत के नज़दीकी देशों जहां पे इस्लामिक शासन अभी वर्तमान में चल रहा है, वहां माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में किए जा रहे हैं। एसडीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी दिया गया है और उसमें ये भी निवेदन किया गया है कि इन सभी देशों में हिंदुओं की जो संपत्ति है, उनके जान माल की संपूर्ण सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। आवश्यकता पड़े तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को भी वहाँ पर जो है वो तैनात किया जाए और उन सभी माध्यमों से जिनसे हिंदुओं की जान माल को बचाया जा सकता है उनको शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा।